जी हमने चढ़ाया दूध बॉईल करने, फिर जी आई बादाम पिस्ते कट करने के बाद देखे शशके देखे, थोड़े तो शशके बनते हैं ना भाई। फिर हमने इनको किया कट, वो कट करने के बाद जैसे आपको ठीक लगे वैसे कट करिएगा। फिर जी दूध ट्रांसफ़र करने की बारी आई, इसको हमने शिफ्ट किया एक पतीले में, और थोड़े इसमें भी तो शशके बनते हैं ना, आपको पता है ऐसे सीधा व्लॉग बनाने में मज़ा नहीं आता, तो थोड़े शशके बनते हैं। इसको हिलाते मुझे दूध दे, फिर मुझे एक शेर याद आया, अर्ज कर दूँ ना। हाँ हम पता है आप सुनना चाहते हैं, तो जी ये शेर है, दूध में है चीनी, चीनी में है बादाम, दूध में है चीनी, चीनी में है बादाम, इतने गौर से ना देखो ये बन जाएगी आपके दस्तरखान की शान। वाह 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 वाह। फिर इसमें हमने शामिल करे राजमा, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, बादाम पिस्ते अखरोट और दीगर राजमा जो भी होते हैं, मुझे इतने नहीं पता, तो आपको जो ठीक लगे वो शामिल कर लिएगा इसमें। फिर जी इसको शामिल करने के बाद हमारी बारी आती है रू अफज़ा मिलाने की। हमने इसमें मिलाया रू अफज़ा, ज़रूरी नहीं है कि आपने रू अफज़ा वाला ही बनाना है, हमने बनाया आपको जो ठीक लगे, क्विस वाला और वाइट वाला, और मुझे नहीं पता कौन से बनते हैं, तो जो भी बनते हैं आप वो वाला बना लीजिएगा जो ठीक लगे, और इसमें जेली वगैरह जो भी आपको शामिल करने कर लीजिएगा। फिर जी आती है हमारी बारी बर्फ़ शामिल करने की, इसमें हमने डाली बर्फ़, आपको जितनी ठीक लगे, जितना आपका शरबत हो उतनी ही आपने बर्फ़ शामिल करनी है, आपने अपनी ही बर्फ़ शामिल करनी है, क्योंकि आपको पता है किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है, तो हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में शरबत था तो हमने वैसी ही बर्फ़ शामिल करी, आपको जितना ठीक लगे आपने उतनी ही शामिल करनी है। फिर इस क्योंकि बर्फ़ डालना भी लाजमी, आपने ये मिसाल सुनी है ना, ठंड पाओ जी, हमने बर्फ़ पा के लोगों के ठंडी पानी है जी। फिर शाम का टाइम हो गया खूबसूरत से मौसम के साथ, फिर जी हमने देखिए कितना खूबसूरत है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।